हमने इस सेशन का नाम दिया था नरकटियागंज का छोरा, हालांकि बिहारी में अगर कहें तो छौड़ा हो जाएगा, वो छोरा नहीं रहेगा। नरकटियागंज से निकल के आज देखिए ये सारे नर नारियां सब खड़े हैं यहां पर, मनोज भैया को बस ऐसे देखने के लिए। मतलब देश में अभी भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि कहां पर क्षेत्र पड़ता है, लेकिन मनोज वाजपेयी कौन है सब जानते हैं। सबसे पहले आप सबका, आप सबको नमस्कार। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी भारी संख्या में आप मेरे लिए रुके हुए हैं। क्या बोल रहे हैं ये? नरकटियागंज एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ से 11 किलोमीटर की दूर पे मेरा गांव है। और नरकटियागंज का मीट और चूड़ा बहुत फेमस है और वहाँ का जहाँ हिंदी में पोहा बोलते हैं, चूड़ा वहाँ का बहुत ही बहुत ज़्यादा फेमस है। और जब भी मैं गांव जाता हूँ तो एक बोरी चूड़ा लेकर के बम्बई ज़रूर आता हूँ मैं। ये एक हमेशा से एक परंपरा रही है और एक आदत रही है। ये पूरे नॉर्थ बिहार में नेपाल बॉर्डर के पास एक छोटा सा कस्बा है। हाँ श्वेता यहीं पे हैं, यही हैं श्वेता, आपको कहीं से बुलाने की जरूरत नहीं है, यहीं बैठी हुई हैं। मैं ये जिस समय में आप निकल कर आए थे और आप मनोज वाजपेयी को सबने समझा, कई लोग सोचते थे अच्छा यूपी का लड़का होगा। बिहार उस समय एक ऐसा क्षेत्र नहीं था जिससे निकल कर इतने लोग या जितनी इतनी ताकत जो प्रसारित कर सके पूरे में। मनोज वाजपेयी उस समय निकले, मुझे याद है सत्या के बाद आपका इंटरव्यू किया था मैंने, और उस समय भीखू मात्रे के कैरेक्टर की हम बात करते थे और आपने कहा था कि कैरेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोग याद रखें, वो आपकी सफलता है। पर आप रुके कहां वहां, आज आपको सरदार खान कह के भी लोग पुकारते हैं, कैरेक्टर्स में कैसे जान फूंकते हैं? नहीं नहीं जैसे हाँ बोलूंगा, वो भी उसका भी समय आएगा, उसका भी समय आएगा, एक बार बातचीत हो जाने दो, थोड़ा धैर्य रखो, धीरज धरो हे भीम धीरज धरो, गदा भीम ही उठाएंगे, कोई और नर ना आएंगे। चाहे वो सरदार खान हो, चाहे भीखू महात्रे हो, चाहे कोई भी किरदार फैमिली मैन, इसको करने के लिए एक पूरी की पूरी एक महीना दो महीना ढाई महीने तीन महीने ये एक समय जाता है पूरे प्रिपरेशन करने के लिए। उसके लिए उस स्क्रिप्ट को पढ़ना और डायरेक्टर के साथ बैठना, फिर अकेले में उस पर काम करना, और सारे जो किरदार खड़े करता है आदमी उसका अप्रोच हमेशा अलग अलग होता है। अब जैसे भीखू महात्रे को करने के लिए मुझे 4 महीने लगे थे, और सरदार खान के साथ में ऐसा हुआ था कि अनुराग के साथ बैठ बैठ करके मैंने पहले पता किया कि वो चाहता क्या है, और मुझे ऐसा अनुराग ने बताया कि वो अपने तरीके की एक कमर्शियल हिंदी फिल्म बनाना चाहता है गैंग्स ऑफ वासेपुर में। तो मैंने हमने ये डिसाइड किया कि ये जो कमर्शियल फिल्म का हीरो है वो सब कुछ होगा, लेकिन वो यूजुअल जो सामान्य रूप से हीरो होता है वो नहीं होगा। उसी में उसने मेरे बाल मुड़ा दिए और एक ऐसा चाल चलन वाला आदमी रखा जो कहीं से भी हीरो के लायक नहीं है। जो हम एक अच्छाई दिखाते हैं हीरो में वैसा नहीं है वो आदमी, ऐसा है कि वो कब किसको मार दे उसको खुद ही पता नहीं है, वो कब किसी लड़की पे आकर्षित हो जाए उसको खुद पता नहीं है। तो कुछ इस तरह का बहुत ही बेढंगा सा हमने हीरो तैयार करने की कोशिश की। और आई एम सो हैप्पी कि जो चीज़ें हमने सरदार खान के लिए किया वो बाद में कल्ट हुआ। तो हमेशा उसमें ये एक चीज़ साबित हुई कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो
तो थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स जाकर के अगर आप कुछ करने की कोशिश करते हो तो दर्शक है जो उसको आगे लेके जाने के लिए तैयार रहता है। और अब एक नई ऐसी ही फिल्म आप कर रहे हैं जो अब रिलीज के लिए तैयार है, जो कि बिल्कुल अलग हटकर और शायद एक नया हीरो सारे दर्शकों को जी जोरम आ रही है 8 दिसंबर को, और एक दो बातें करना चाहूंगा मैं जोरम के बारे में, क्योंकि अभी रिलीज पे है और ये हमने डिसाइड किया है कि हम जोरम का कोई प्राइवेट स्क्रीनिंग अपने गेस्ट के लिए नहीं रखेंगे। अच्छा। या इंडस्ट्री के लिए नहीं रखेंगे हम। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जोरम जैसी फिल्म जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इतना सारा सम्मान लेकर के आ रही है और दर्शक भी कहता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री अच्छे फिल्म थिएटर में नहीं लेके आती है, आज हम एक बहुत ही महान फिल्म थिएटर में लेकर के आ रहे हैं और उसके प्रमोटर सिर्फ आज तक या बाकी पब्लिकेशंस नहीं होंगे, मैं चाहता हूं कि उसके प्रमोटर ये जितने यहां पे यंग क्राउड है ये उसको प्रमोट करें, ये एक एक आदमी जो है 20 लोगों को 40 लोगों को जाए लेके जाए, क्योंकि अगर ये दर्शक आपकी फिल्म को प्रमोट नहीं करेगा तब तक अच्छी फिल्में थिएटर में नहीं दिखाई जाएंगी, अगर दिखाई भी जाएंगी तो वो फिल्में बॉक्स ऑफिस के नाम पे अलग कर दी जाएंगी। इसलिए जरूरी है कि ये जो दर्शक यहाँ पे है जो 30 साल से मेरा काम देख रही है वो आगे बढ़ करके इस फिल्म को अपने कंधे पे रख करके आगे इसको बढ़ाए। जोरम एक आदिवासी आदमी की कहानी है जो मुंबई में कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है और एक दिन उसको पता चलता है कि उसकी बीबी का कत्ल हो गया। अब वो अपनी छोटी सी 3 महीने की बच्ची को लेके वापस झारखंड जंगल की तरफ भागता है, क्योंकि जानता है कि जंगल में अगर एक बार घुस गया तो शायद इन दोनों की जान बच जाएगी, क्योंकि जंगल एक ऐसा इलाका है जो आदिवासियों के लिए सबसे सुरक्षित इलाका होता है, वो उससे बिल्कुल उनकी जान पहचान होती है, हर चीज़ को वो जानते हैं, हर पेड़ को वो जानते हैं। तो ये जो यात्रा है वापस झारखंड जाने की, ये पूरी कहानी जोरम की वो है। और मैं एक चीज़ यकीन दिलाता हूँ ये जितने लोग भी बैठे हुए हैं कि आपको ये फिल्म बहुत बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये दर्शक जो है वो अलहदा नहीं है, जो अंतर्राष्ट्रीय दर्शक जो जिसने जोरम को देखा है सारे बड़े बड़े फेस्टिवल में जो उसने सराहा है, ये इनकी कहानी है, ये जो दर्शक है यहाँ की ये उनकी कहानी है, तो वो ज्यादा रिलेट करेंगे इस फिल्म से। नहीं, मुझे लगता है कि केवल फिल्में और एक्टर्स नहीं बदले हैं, दर्शक बदले हैं, इसीलिए सब कुछ बदला है। और अब वाकई उन सारी कहानियों को लोग एक्सेप्ट करते हैं जो कहानियां शायद डायरेक्टर्स बनाने से डरते थे पहले। जी, पर आपने कहा 30 साल। जी, आपने एक और बात कही, 4 महीने में मैंने भीखू मात्रे का किरदार और सरदार खान के ऊपर भी, अभी भी इतनी तैयारी करते हैं आप अपने कैरेक्टर्स की? देखिए वो एक नशा है, जुनून है। हाँ। और मुझे और कुछ आता नहीं है, मुझे मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी अभिनय के साथ में एक प्रेम कहानी है जो ख़त्म ही नहीं हो रही है वो एक स्क्रिप्ट अच्छी मिलती है और उसके बाद फिर मुझे कुछ सूझता नहीं है। अभी हमने एक फिल्म की शूटिंग की जिसका नाम है भैया जी, और बहुत ही मेन स्ट्रीम फिल्म है, बहुत बड़ी फिल्म है, लखनऊ में 2 महीने शूटिंग कर रहे थे हम लोग। हमारा एक्शन डायरेक्टर ऐसा था कि उसकी अपेक्षा थी कि मैं 95% शॉट में ही दूं। अच्छा। और 25-30 साल के हीरो का एक्शन उसने मुझसे कराया, तो मेरे लिए दिक्कत तो थी, लेकिन चूंकि जुनून है उसको अचीव करना है, अभिनय करने में मज़ा आता है, जो चीज़ भी स्क्रीन पे हम दिखाना चाहते हैं उसको करने में मुझे मज़ा आता है, और 50-60 दिन की जो शूटिंग थी श्वेता, इसमें मेरे घुटने में चोट लगा, मेरे गर्दन में चोट लगा, मैं कितनी बार लगा कि कर नहीं पाऊंगा। हाँ। लेकिन हर बार जो है वही जुनून जो है वापस आपको सेट तक लेके जाता था। मतलब आपका कहाँ से शुरू होता है, कैसे आगे बढ़ता है? मुझे तो लग रहा है कि आप अभी भी बोल रहे थे कि बड़ा समय कम है, जल्दी करना है। कितना व्यस्त रहते हैं मनोज वाजपेयी? बहुत ज़्यादा व्यस्तता बढ़ गई है इन दर्शकों की वजह से, काम आ रहा है मेरे पास में बहुत कुछ सालों से, 4-5 साल में OTT के कारण और भी काम बढ़ा है। हाँ। तो
काम बढ़े, चुनाव आपके सामने हो और आज़ादी हो चुनाव करने की, उस फेज के लिए आप हमेशा काम करते रहते हैं. एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल टू दिस ऑडियंस एंड टू गॉड दैट आई हैव नॉट ओनली मी, मेरे जैसे कितने अभिनेता, अच्छे अभिनेता आज अच्छा कर रहे हैं. कुछ तो असल में क्या होता है ना कि आपके साथ बड़े वैसे गंभीर शब्दों का इस्तेमाल कर दिया गया, मेथड एक्टर और पता नहीं क्या क्या, लेकिन मनोज वाजपेयी जब लोगों के बीच पहुंचते हैं तो लोग चिल्ला चिल्ला कर डायलॉग भी उनके बोलते रहते हैं. अरे वो बोलकर सुना दीजिए, वो अच्छा है जो आपको डांस करने के लिए नहीं बोलते हैं, पर कर देते शायद आप. नहीं, डांस वगैरह मैं करता था. और एक बार जब ऋतिक रोशन की फिल्म आई कहो ना प्यार है, और मैंने उसका डांस देखा, उसके बाद मैंने कसम खाई कि अब डांस नहीं करूंगा. उसके बाद टाइगर श्रॉफ आया तो उसने डांस को और डिफिकल्ट बना दिया. तो मैं क्या है, आम इंसान हूं, आम आदमी की तरह से नाचना मुझे पसंद है. और शायद बिकू महात्रे में जो डांसिंग थी इसीलिए ज्यादा पॉपुलर हुई कि लोगों को लगा जैसे कि ये उनका डांस है. हाँ. ये डांस वो कर रहे हैं. फरमाइश आती है कि नहीं? नहीं, मैं करता नहीं हूं क्योंकि अब जो है घुटने जवाब दे रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि छोड़िए, अगर लोगों को पता ना हो तो लोग बोलेंगे 30 साल अपनी उम्र के बारे में बोल रहा था, करियर के बारे में नहीं. नहीं, अभी डायलॉग्स वगैरह बोल देता हूँ, लोग जब बहुत ज्यादा जिद करते हैं. एक बंदा काफी है जी, ये मुझे डिमांड आ रही है सामने से. अच्छा, एक बंदा काफी है. अच्छा, मुझे याद तो नहीं है, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि सिर्फ एक बंदा काफी है. इस साल की सबसे बड़ी सफल फिल्म है, सबसे बड़ी. और वो फिल्म अगर आप देखें, वो फिल्म एक लॉयर और एक जो माइनर है लड़की, उनकी यात्रा की है, उनकी कहानी है, और वो कैसे उस लड़की के लिए फाइट करता है कोर्ट ऑफ लॉ में, और कैसे उसके लिए उसको न्याय दिलाता है, ये इसकी कहानी है. लेकिन लोगों ने इतना पसंद किया, और जितना जितना उन्होंने फैमिली मैन को पसंद किया या फिर जो गैंग्स ऑफ वासेपुर, उतना ही उन लोगों ने आगे जा करके सिर्फ एक बंदा काफी है को प्रेम दिया जी, या गुलमोहर को. तो मुझे लगता है कि ये जो दर्शक है वो कहानी, नया नई कहानी देखना चाहता है, वो अपनी कहानी देखना चाहता है, वो अपने तरीके का किरदार देखना चाहता है, और कोशिश यही है कि उसी तरीके के किरदार, उसी तरह की कहानी जो लोगों की कहानी है उन तक लेके जाया जाए. अच्छा, मुझे लगा आप डायलॉग बोलकर सुनाएंगे. नहीं, डायलॉग मुझे याद नहीं, कि मैं सुनाऊं. नहीं यार, अगली बार मैं पक्का, मैं उसको भी याद करूंगा. एक आदमी वहां पे है जो खड़े होके बार बार चाबी चाबी किए जा रहा है. आजा हाथ. मैंने हमेशा देखा था कि पुरुषों ने ही हजरात हजरात का डिमांड किया था, आज महिलाएं भी डिमांड कर रही है. हजरात हजरात हजरात, बड़े अफसोस के साथ ये सूचित किया जाता है कि कल रात वासेपुर की एक लड़की को अगवा कर लिया गया है. हजरात, अगर 24 घंटे के अंदर लड़की अपने घर नहीं पहुंची तो हम पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा, और रामाधीर सिंह के पूरे खानदान से नचनिया का नाच नचाएंगे. हजरात हजरात हजरात, हो गया खुश? साहित्य आज तक का मंच है. मुझे मालूम है कि आपने कहा कि मुझे 12:30 तक फ्री कर देना, फ्लाइट नहीं रह जाएगी मेरी वरना. लेकिन जाते जाते मैं आपसे ये जरूर कहूंगी, साहित्य आज तक का मंच है, आप अपनी बात आपने सुनाई, पर कविताएं भी आपको काफी पसंद रहे. जी जी, बहुत ज्यादा. सबसे पसंदीदा कविता जो है आपकी, अगर आप आज उसकी पंक्तियां आपको जिसकी याद, मतलब अगर मुझे याद, मतलब पता होता है कि मुझे बंदा का डायलॉग बोलना है तो मैं लेके आता, और लेकिन फिर भी
मैं याद करने की कोशिश करता हूँ। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वो भी दे न सका, दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, गर मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, सुने को साध न सकता है, गर मुझे बांध कब सकता है। क्या बात रामधारी सिंह दिनकर जी, उनकी पंक्तियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आप यहाँ पर आए हैं। थैंक यू। नहीं समझ आए मुझे बात, क्या बोलूं। अच्छा डीजे से आ रही है बात कि 5 मिनट और रुक जाइए। चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है? OTT और फिल्म दो चीजों में आप, और मतलब आपके जैसा एक्टर जो कह रहा है कि मैं एक पैशन के तौर पर जीता हूं और मतलब अपना सब कुछ लगाकर आप उस किरदार में घुसते हैं, एक बार में एक ही काम करते हैं या फिर अलग अलग कि ये भी शो कर रहे हैं, ये OTT कर रहे हैं, ये फिल्म? नहीं नहीं, मैं एक टाइम पे एक ही काम करता हूं। अच्छा। एक फिल्म या एक पैसों का नुकसान है? एक समय में आप इतना कर लें, कितना? देखिए मैं जिस तरह के किरदार करता हूं उसके लिए अगर आप पूरी तरीके से एक ही काम नहीं करेंगे तो हो नहीं पाएगा। तो पूरा मैं जीता हूं उस किरदार को जब तक फिल्म की शूटिंग नहीं खत्म हो जाती है, और वो यात्रा शुरू होती है 3 महीने पहले से, 2 महीने पहले से। अब जोरम जैसा किरदार आप कैसे कर पाएंगे? एक तरफ जोरम, एक तरफ सरदार खान हो ही नहीं पाएगा। उसके लिए आपको पूरी तरीके से एक कैरेक्टर के अंदर घुसना होता है और पूरे तरीके से 24 घंटे आप उस किरदार की तरह से रहते हैं, उस किरदार की तरीके से आपकी मानसिक अवस्था प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो एक टाइम पे एक ही काम हो पाता है और तभी मैं न्याय कर पाता हूँ, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो मनोज वाजपेयी पैसे के लिए काम करते हैं या एक्टिंग के लिए काम करते? देखिए पहले जो था ये चुनाव करना पड़ता था कि पैसे के लिए करूं कि नहीं करूं, अब लोग पैसा दे देते हैं। चाहे कुछ भी करूं पैसा मिल जाता है। पर कभी मन में वो कसक रही कि वो जो टिपिकल एक सिनेमा होता है जिसके जरिए एक सुपरस्टार कहते होता है, हालांकि मुझे लगता है कि जो एक्टर है आज ज्यादा स्वीकार्य है एक सुपरस्टार के बनिस्पत। देखिए मैंने ज्यादा मेन स्ट्रीम फिल्में की नहीं, क्योंकि मैं चाहता था कि मेन स्ट्रीम फिल्में वो हों जो लोगों के साथ जुड़ी हुई कहानियां सामने लेकर के आए। आज साउथ इंडिया में जितने भी उनके नायक होते हैं या उनकी जो कहानी होती है, चाहे भले ही कितनी बड़ी पॉट बॉलर बना रहे हों, उनका नायक लुंगी पहनता है, वो धोती पहनता है, वो अपने कल्चर के अराउंड अपनी कहानियां कहते हैं। हम हिंदी सिनेमा में हम इस चीज को कहीं ना कहीं हमने खो दिया है उसको। मेरी कोशिश है कि जब भी मेन स्ट्रीम कोई सिनेमा करूं, जैसे कि भैया जी की है, वो पूरे तरीके से हमारा हीरो है, नाम ही बहुत अपीलिंग है। हाँ, हमारा हीरो है और हमारे तरीके के परिवेश में रहता है और उसकी पूरी के पूरे भाव हैं या जो भी उसकी बातें हैं या कहानी है या जो रिश्ते हैं, सब हमारे कल्चर से निकली हुई है। तो जो पहली बहुत साल के बाद मैंने एक मेन स्ट्रीम फिल्म जो भैया जी की है, मैंने वो नायक पूरे तरीके से वो नॉर्थ इंडिया का है और नायक पूरे तरीके से इन लोगों का नायक है, ये लोग हैं जो वो, इनमें से कोई भी वो नायक है, उस तरीके की कहानियां जी। पीछे मुड़ के देखा जाने सब किधर गए, अकेले हैं खड़े कदम नहीं बढ़े, जाएंगे कहाँ कि कुछ पता नहीं, ओ सुहाने दिन आशिकाने दिन, उसकी नमी में भीगे वो पुराने दिन। बस हो गया, धन्यवाद। अच्छा गाते हैं आप मनोज जी। पीयूष मिश्रा का शिष्य हूँ मैं। अरे थोड़ा सा इसका और आगे गुनगुना दीजिए, फिर पक्का जाने देंगे।
देखिए 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 पीयूष मिश्रा हमारे थिएटर थिएटर ग्रुप में हुआ करता था, तो वो संगीत का गुंडा था पीयूष मिश्रा, वो हमें लात मार मार करके हमारे सुर ठीक किया करता था, और अगर गलती से हम उसके बगल में बैठ जाते थे तो चलते शो में वो डांटता था, पकड़ 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 इधर पकड़। तो पीयूष मिश्रा के हम शिष्य रहे हैं और दोस्त भी है पीयूष मिश्रा, और गाना और पोएट्री में कमाल है, लिरिक्स में तो कोई जवाब, और हमने बड़े बहुत बहुत साल साथ में गुजारे हैं। एक्ट वन नाम की नाटक की संस्था थी हमारी, जो कि उस समय बहुत ही बड़ी संस्था थी, और बहुत सारे कलाकार वहाँ से निकले और बड़ी अच्छी यादें हैं। तो ये जो गाना ये लोग गा रहे थे ये हमारे होली प्ले का है जी। और पीयूष ने लिखा था और उसने कंपोज भी किया था। वो पुराने दिन आशिकाने दिन ओसकी नमी में भीगे, वो पुराने दिन दिन किधर गए सब किधर गए, ऐछे मुड़ के देखा जाने सब किधर गए, अकेले हैं खड़े कदम नहीं बढ़े, चल पड़े हैं खोदे चल पड़े जाएंगे कहाँ कि कुछ पता नहीं है उनकी खाता नहीं। तो पुराने दिन आशिकाने दिन। चलो भैया बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं तो ये फ्लाइट निकल जाएगी और बंबई वाले बहुत मारेंगे हमको। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। श्रोता के लिए तालियां बजाइए भाई, थैंक यू वेरी मच।